हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों परसों से मेरे पास काफ़ी ड्राइवर भाइयों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि आशु भाई ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने अपना DL नंबर गलत डाल दिया है, तो अब इसका क्या करें, कैसे ये ठीक होगा। और कई भाइयों के मैसेज इस प्रकार से आ रहे हैं कि भाई मैंने जो पर्ची डाउनलोड करना मैं भूल गया हूँ, तो अब ये पर्ची कैसे डाउनलोड होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से जो अभी मैं करके देख रहा हूँ, यहाँ से अगर ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, करेक्शन हो जाती हैं या रिकवर हो जाती हैं, आपकी पर्ची रिकवर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में लास्ट में आपको एक नंबर बताऊँगा, एक इसका लास्ट उपाय क्या है वो बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने ये दिल्ली सरकार की साइट खोल ली है और खोलने के बाद अब आपको दिखाता हूँ इसमें हम अपनी पर्ची को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर हमने जो लाइसेंस नंबर या कोई भी हमने आधार कार्ड नंबर कुछ भी गलत डाल दिया है वो करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो होम का ऑप्शन है, जो ये साइट खुली हुई है वो वही है, ये डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों इस पर। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम अपनी पर्ची रिकवर कर सकें या फिर हम करेक्शन कर सकें। चलिए दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन परमिट। ऑनलाइन परमिट में दोस्तों ये हमारे काम की चीज़ है, इनमें से कोई भी नहीं है, ना ही इसमें कुछ स्टेटस चेक करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ लास्ट में आप देखेंगे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का ही ऑप्शन हमें मिलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए अपना आधार कार्ड और लाइसेंस नंबर डाल के गेट OTP पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये तो हमें करना नहीं है, जिसको करना हो भाई को वो कर सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसे अपनी लॉगिन ID बनानी पड़ेगी, लॉगिन ID बना के इस पर लॉगिन होना पड़ेगा। चलिए अब दो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है। अदर सर्विस में अपडेट व्हीकल ओनर मोबाइल नंबर, इसमें आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। फिट में फिटनेस का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और ये हमारे किसी काम की चीज़ें नहीं है। हाँ परमिट वाले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप अपना परमिट रिन्यू करा सकते हैं, यहाँ से आप अपना परमिट भी रिन्यू करा सकते हैं और टेम्परेरी परमिट भी ले सकते हैं। जैसे आप दिल्ली की गाड़ी है, कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए टेम्परेरी परमिट ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे फ्रेश परमिट के लिए, तो जब दिल्ली सरकार कभी ऑटो निकालेगी तो या कुछ भी गाड़ी निकालेगी कमर्शियल, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो निकाला हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन खुला हुआ है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रखी है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं स्टेटस में, स्टेटस में क्या क्या है। यहाँ पे रीप्रिंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रीप्रिंट अपॉइंटमेंट है ये, और रीप्रिंट ई रिसिप्ट फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या खुल जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और चेसिस नंबर डालना है, तो हमने तो अभी ये चेसिस नंबर और ये तो हमारा कुछ काम का है नहीं दोस्तों। ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन के लिए है, ये वाला जो ऑप्शन है नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, यही हमारे काम का है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ओके करके खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम देखते हैं इसमें हमारी एप्लीकेशन स्टेटस बताता है कि नहीं बताता है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो दोबारा डाउनलोड होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, तो मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है दोस्तों, मैंने डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चा भरना है, कैप्चा मैं भर देता हूँ। तो ये मैंने कैप्चा भर दिया दोस्तों, कैप्चा भरने के बाद इसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद देखते हैं डाउनलोड होती है कि नहीं होती है, और मैंने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, ये अभी गोल गोल घूम के इसने बता दिया इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर। तो दोस्तों आप सभी भाई परेशान हैं कि जब भी आप अपनी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इनवैलिड बताता है, तो दोस्तों अभी ये इनवैलिड बता रहा है, सभी की इनवैलिड बता रहा है, और किसी की भी इसने अभी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं बताई है। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी जो एप्लीकेशन भरी जा रही है वो अभी इकट्ठी हो रही हैं, और जब ये सारी भर जाएंगी उसके बाद में ही इसका स्टेटस चेक किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसने एप्लीकेशन अपनी भर दी है और जिसको नंबर मिल गया उसको कुछ नहीं करना, वो आराम से अपने घर पे बैठेंगे, अपनी पर्ची को संभाल के रखेंगे। और मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये जो लक्की ड्रॉ निकलेगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, अभी आपने कुछ नहीं करना है, पर्ची को संभाल के रख लेना है। बाकी जिन भाइयों ने अपनी पर्ची डाउनलोड नहीं करी है,
अब वो डाउनलोड अभी तो फिलहाल हो नहीं सकती है दोस्तों, तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई होगा नहीं, तो आप भी चुपचाप से घर पे बैठे इंतजार करें, जब भी लकी ड्रॉ होगा तो आपका जो है सारा रिकॉर्ड वहां पे पहुंच चुका है। जब लकी ड्रॉ में आपका नाम निकलेगा तो आपका नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी बताएंगे, आपका नाम भी बताएंगे, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पूरी लिस्ट आएगी दोस्तों उसकी, जितने भाइयों के भी ऑटो निकलेंगे उनकी पूरी लिस्ट आएगी, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें से आप बड़ी आसानी से अपना नाम लाइसेंस नंबर पहचान सकते हैं। अब रही बात दोस्तों जिन्होंने अपने लाइसेंस का नंबर गलत डाल दिया है या फिर आधार का नंबर गलत डाल दिया, तो दोस्तों उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है जिससे पर्ची डाउनलोड की जा सके या फिर आधार कार्ड या लाइसेंस का नंबर चेंज किया जा सके। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है बाद में ये ऑप्शन दिल्ली सरकार दे दे, दिल्ली सरकार इसमें करेक्शन का और स्टेटस चेक करने का ऑप्शन चालू कर देगी, लेकिन कुछ समय के बाद ही करेगी। अब आप जिन भाइयों की करेक्शन और पर्ची की जो परेशानी है उनके लिए मैं एक ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर सबसे ऊपर ये व्हाट्सएप का निशान देख रहे हैं, इसके साथ में एक नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, इस नंबर को आप सेव कर लेना ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के नाम से, और इस पे अपनी जिन भाइयों ने पर्ची डाउनलोड नहीं करी है उनका तो खैर नंबर नहीं पता होगा आपको, लेकिन जिन्होंने डाउनलोड कर लिया पर्ची और उनके पास अपना एप्लीकेशन नंबर है, वो एप्लीकेशन नंबर इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनको भेज देना, वो इसकी जानकारी दे देंगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है कि नहीं हो गई है। अब चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक फ़ोन नंबर भी इन्होंने दे रखा है 1076, इसे आप जानते होंगे दिल्ली सरकार ने 1076 हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर रखा है और भी कई सुविधाएं इस पर मिलती हैं, तो दोस्तों आपने इस पर कॉल करनी है, कॉल करके और परिवहन से रिलेटेड वाले ऑप्शन को दबा देना है, दबाने के बाद वो परिवहन के बारे में आपसे पूछेगी कि आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपनी सारी परेशानियां उनको बता देना और वहां से देख लेना, अगर आपको कोई हल मिल जाता तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब से आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं और मुझसे पूछा है कि आशु भाई हमारी पर्ची डाउनलोड नहीं हुई, और कई भाइयों ने पूछा हमने नंबर गलत डाल दिया, तो इसी प्रकार की जितनी भाइयों ने हमसे परेशानी पूछी थी मैं पूरा दिन उसमें अपने लैपटॉप में लगा रहा और मैंने सभी डिपार्टमेंट से ये जानकारी लेने की कोशिश करी, तो मुझे कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने जितनी भी ट्रांसपोर्ट की ये साइटें हैं सब पे जाके मैंने चेक कर लिया है, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको झलक दिखाई थी कि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ भाई इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और आप परेशान ना हो। तो दोस्तों मैंने हर एक जगह से सब कुछ चेक करने के बाद में ये वीडियो बनाया है, कोई भी अभी ऐसा ऑप्शन मुझे तो नहीं मिला है दोस्तों, सिर्फ ये हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा हूँ मैं जिससे कि आप थोड़ी बहुत वहाँ से जानकारी ले लें, लेकिन मैंने हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन करके पूछा, वहाँ से भी कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया वो कह रहे हैं आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट पर जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप साइट खोलेंगे और साइट पे ये स्टेटस चेक करेंगे तो यही बताएगा इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर, और पर्ची डाउनलोड करने का तो ऑप्शन इसमें आ ही नहीं रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब जब भी इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी, कभी करेक्शन के बारे में या फिर पर्ची डाउनलोड के बारे में अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप इस चीज़ से फिक्र रहे हैं कि मैं आपकी परेशानियों को सुन नहीं रहा हूँ, मैंने सारी आपकी परेशानियाँ सुन ली हैं, सबके मैसेज पढ़ लिए हैं, सबको मैंने जवाब दे दिया है, जब भी इसका कोई हल निकलेगा तो मैं आप सभी भाइयों को ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों हमने ये रिकवर करके देखा, अपडेट करके देखा, करेक्शन करके देखा, हमने हर पॉइंट पर हर चीज़ को हमने चेक कर लिया है, कहीं भी ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली जिससे हम अपने DL को सही कर सकें, DL नंबर जो हमने गलत डाल दिया उसे सही कर सकें या फिर पर्ची दोबारा से डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों पूरी चीज़ करके देख ली, दोबारा से एप्लीकेशन हमने रजिस्टर करके भी देख लिया, तब भी एप्लीकेशन नंबर हमें दोबारा से नहीं मिल रहा है, ना ही करेक्शन का कोई ऑप्शन मिल रहा है। ये स्टेटस पे जब हम चेक करते हैं तो इस पर ऑलरेडी योर एप्लीकेशन सबमिटेड ये लिखा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ फॉर्म ज़रा ध्यान से भरें, अब इसकी जो है करेक्शन या अपडेट की जो भी जानकारी आएगी वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगी दोस्तों, इसे अगर सही किया जा सकता है तो वो ऑप्शन देंगे,
और नहीं किया जा सकता है तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने 5000 रुपये का फॉर्म भरा था तो उसमें स्टेटस चेक करने का ऑप्शन शुरू शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में वो ऑप्शन उन्होंने दे दिया था। तो हो सकता है इसी प्रकार से इसमें करेक्शन और स्टेटस का भी ऑप्शन दे दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।